दादी वो मैंने सूप चढ़ा दिया। अच्छा, अरे दलाल के लिए कॉफी तो बनाओ जल्दी से। कॉफी नहीं, चाय। अच्छा चलो वो चाय बना दो और सूप के ऊपर नजर रखना, जो ही तैयार हो जाए असद को देना है। दादी उसमें बहुत तेज उबाल आ रहे हैं, आप आके देख लें। अच्छा मैं आती हूँ। देखो दलाल, यहाँ के तो मौसम का पता ही नहीं चलता, अभी धूप निकली हुई थी और अब देखो कैसी तेज बारिश हो रही है। मैं जरा सूप देख लूँ। कहते हैं कि दिल फरेब धुन लको की तरह खुद फरामोशी चाहे जितनी भी चार्मिंग क्यों ना, लेकिन दायमी नहीं होनी चाहिए। क्या डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? शायराना पॉइंट ऑफ व्यू। चले, इसका मतलब मौसम का असर आप पे भी हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान की तरह मौसम का असर मुझ पे भी हो सकता है। मैं कोई खलाई मखलूक नहीं हूँ, इंसान हूँ। और तुम इतनी ज्यादा भीग चुकी हो। प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये खतरनाक है। बिल्कुल कहूंगा, ये वाकई खतरनाक है। चलो अंदर आओ, चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होता, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन तुमने तो इतराफ किया था कि तुम बुजदिल हो, या शायद तुम्हारा इतराफ जज्बात और एहसासात के मामले में था। एनीवेज अंदर आओ और चेंज करो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आए ना प्लीज। अरे अरे देखो बिल्कुल भीग गई हो, चलो अंदर आओ, बीमार हो जाओगी। कोई बीमार शिमार नहीं पड़ती दादी, मैं लोग जितना कमजोर समझते हैं ना उतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। पागल हो गई हो क्या? चलो आके कपड़े बदलो, सुखाओ अपने को, असद बुला रहा है। ओहो दादी क्या सारा मजा खराब कर दिया। ओह इतनी अच्छी बारिश। अच्छा आती हूँ। ये लड़की बिना किसी की नहीं सुनती है। हालत देखो अपनी, बीमार पड़ जाओगी। कभी बारिश में नहाए हो तो पता चले ना कि बारिश में नहाने का मजा क्या होता है। सड़ो। रोशी बीबी, वो जी तलाल साहब ने ये दवा दी है, वो कह रहे हैं दो गोली अभी खा लें, दो गोली सुबह नाश्ते के बाद। तलाल साहब से जाके कहो कि रोशी बीबी बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा सुनो, इधर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जितनी कमजोर दिखती हो ना तलाल सिकंदर, उतनी कमजोर हूं नहीं मैं। तलाल के आने से ना मुझे बहुत तसल्ली हो गई है, सच मानो तो जैसे ढारस ही मिली है मुझे। वैसे अम्मी राफे खाला के बच्चे तो बहुत समझदार है, मुझे बस लाला रुख की शादी में न जाने का बहुत अफसोस हो रहा है। चलो अल्लाह और खुशियां दिखाएगा। अच्छा ये तलाला जा रहा है क्या? हाँ। अरे ये क्या, तुम्हें तो लगता जुकाम हो गया। मैं इसीलिए रोशी को भी मना करती हूँ कि शाम की बारिश में मत भीगे। खाला मैं कहाँ भीगा था बारिश में। तबीयत कैसी आपकी? अरे तुम्हें तो अच्छा खासा जुकाम हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए जुशांदा बनाकर लाती हूँ। दादो इन्हें जुशांदे की नहीं दवाई की जरूरत है, दो गोली सुबह
दो शाम। जरूरी नहीं जो हमेशा बहादुर हो कभी कमजोर ना पड़े। शायद तुम ठीक कहती हो। ऐसे कैसे सफर करोगे तुम? एक दिन रुक जाओ और ये लो चाय पियो। नहीं खाला, ये मामूली सा जुकाम मेरा क्या बिगाड़ेगा। मोजे पहनने से पहले तलवों में हल्का सा बाम लगा लेना, उससे आराम मिलता है और छींके भी बंद हो जाती हैं। दादो, ऐसे तोड़ के डॉक्टर हजरत अप्लाई नहीं करते, इनकी शान के खिलाफ होती हैं कुछ चीजें। अच्छा तुम तो चुप की रहो और सुनो, मैं तुम्हारे लिए जोशांदा ला रही हूँ और वो तुमने जरूर पीना है। दारचीनी वाला बनाऊंगी, बहुत आराम मिलता है उससे। तलाल, तो कुछ दिन और रुक जाते, कुछ आराम कर लेते। नहीं असद भाई, हॉस्पिटल में बहुत सारे काम है इसलिए जाना पड़ेगा। वैसे मेरा इस्लामाबाद चक्कर लगता रहेगा, आता जाता रहूंगा। कुछ दिन और ठहर जाते, पापा को बहुत तसल्ली हो जाती और दादी को भी। और तुम्हें? तुम्हें तो मेरे जाने से तसल्ली होगी शायद। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। जी जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। असद भाई तुम्हें अपनी बहादुर बेटी समझते हैं और देखना भी चाहते हैं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो उन्हें हौसला कौन देगा? तुम असद भाई का वाहिद सहारा हो। मैं एक दिन रुकूं या चार दिन, बहरहाल मुझे तो जाना ही है। हाँ आपको तो जाना ही है, मेहमान जो ठहरे। दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मेहमान मौसम के बादलों की तरह होता है, बरसता है और चला जाता है। सुन यारा